हे गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हमारे पास अनबॉक्स और रिव्यू करने के लिए है MI स्मार्ट बैंड 4 और इसके कंपटीशन में जो बैंड आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और उनके प्राइजेस के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही अच्छे से की गई है। सामने आपको एक MI बैंड की फ़ोटो भी देखने को मिल जाती है और ऊपर कुछ फीचर्स को भी डिस्क्राइब किया गया है। जैसे हम इसे खोलते हैं तो अंदर के बॉक्स में हमें सबसे पहले यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है। ये बहुत ही छोटी सी और डिटेल्ड यूज़र मैनुअल है। यूज़र मैनुअल को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये आपको एक MI बैंड देखने को मिल जाएगा और इसको हम बाद में खोलेंगे और देखते हैं बॉक्स में क्या है। तो साइड में बॉक्स में आपको एक केबल देखने को मिल जाती है और इसका चार्जर MI बैंड 3 से बहुत ही अलग है और ये बहुत ही छोटा सा है। तो ये है इसके बॉक्स कंटेंट, एक चार्जर, एक MI बैंड विद ट्रैकर एंड एक यूज़र मैनुअल बस। तो चलिए अब हम इसे खोल कर देखते हैं कि अंदर आपको कैसा बैंड देखने को मिल जाता है। तो इसका जो बैंड का मटेरियल है वो बना है TPE से, यानी कि थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, और ये फिटनेस ट्रैकर एल्युमिनियम का बना हुआ है। इसकी क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है और एक बहुत ही लाइट वेट बैंड है। तो इसके ओवरव्यू की बात करें तो सबसे आगे आपको 0.95 इंच की AMOLED कलर टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है और उसके नीचे एक हैप्टिक टच वाला बटन देखने को मिल जाता है। बैंड के नीचे आपको एक हार्ट रेट सेंसर और दो मैग्नेटिक पिन देखने को मिल जाती है जिससे ये बैंड चार्ज होता है। इस बैंड को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको फिटनेस ट्रैकर को एक साइड से फिट करना है और दूसरी साइड से थंब से प्रेस कर देना है और ये अंदर बैंड में फिट हो जाएगा। और बैंड को फिटनेस ट्रैकर से निकालना भी बहुत ईजी है। एक साइड से इसे पकड़ना है और दूसरी साइड से बैंड को पुल करना है और जैसे ही दोनों के बीच में गैप दिखे नीचे वाली फिंगर से पुश कर देना और बैंड बाहर आ जाएगा। MI बैंड को चार्ज करना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको मैग्नेटिक जो टिप्स हैं उन दोनों को एक साथ जोड़कर दबाना है और जैसे आपको क्लिक की आवाज़ आएगी आप पहचान जाओगे कि इट इज़ कनेक्टेड एंड रेडी टू चार्ज। तो चलिए अब हम इसे फटाफट सेटअप करते हैं और सेटअप करके आपको बैंड दिखाते हैं। तो ये अब कनेक्ट हो चुका है और ऐसा आपको MiFit ऐप का कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाता है जिसमें ऊपर आप डाटा सिंक का ऑप्शन मिल जाता है और साथ में वॉकिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रोफाइल में आपको आपका कनेक्टेड डिवाइस देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको अनलॉक स्क्रीन का ऑप्शन, इनकमिंग कॉल्स, इवेंट रिमाइंडर, अलार्म, ऐप अलर्ट्स, ऐसे कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें फाइंड माई बैंड का भी ऑप्शन दिया गया है। वाइब्रेशन, डिस्प्ले सेटिंग, ब्राइटनेस, आप हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन से और ये आपको स्टोर मिल जाता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉच फेसेस दिखाए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं MI स्मार्ट बैंड 4 के कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें कुछ की फीचर्स है। फर्स्ट, इसके अंदर आपको एक 0.95 इंच का कलर AMOLED फुल टच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। सेकंड, इसके अंदर आपकी बैटरी लाइफ जो है वो 20 दिन की दी गई है जो कि बहुत होती है। थर्ड, इसके अंदर आपको 24/7 हार्ट मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ऐसा कुछ आपको होम स्क्रीन देखने को मिल जाती है MI बैंड 4 की। सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है स्टेटस का जिसमें आपके स्टेप्स, किलोमीटर, डिस्टेंस सब दिखाता है। सेकंड ऑप्शन इसमें आ जाता है हार्ट रेट का। इसके लिए आपको इसे टाइट बांधना होगा ताकि ये हार्ट सेंसर आपकी रीडिंग ले सके। इसके बाद ऑप्शन आता है वर्कआउट का। वर्कआउट में भी आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, वॉकिंग, फ्री स्टाइल एंड स्विमिंग एक्सेट्रा। अगला ऑप्शन मिल जाता है वेदर का और इसमें आपको अगले 2 दिन की भी वेदर रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगला ऑप्शन इसमें आ जाता है वेदर के बाद नोटिफिकेशन का।
कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आती है तो इस पर भी शो होती है। सेटिंग्स में जाके पहला ऑप्शन डू नॉट डिस्टर्ब का भी देखने को मिल जाता है। फिर इसमें हम अलार्म भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऑप्शन दिया गया है म्यूज़िक का, म्यूज़िक के कंट्रोल से आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। एक पूरे स्मार्ट बैंड के इसमें जो फीचर्स है वो सारे दिए गए हैं। टाइमर भी इसमें इंक्लूडेड है और साथ में यहाँ पे एक फाइंड माई डिवाइस का भी ऑप्शन है, जिससे कि जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन वाइब्रेट के साथ साथ साउंड करना क्रिएट कर देगा, जिससे कि आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। ये बहुत ही एक हेल्पफुल फीचर है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है साइलेंट बैंड डिस्प्ले और सेटिंग्स का। सेटिंग्स में मेनली आपको ब्राइटनेस और लॉक स्क्रीन के बारे में बताया गया है। आप इसे अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को चेक कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस को सेट कर देते हैं और इसके बाद हमें लॉक स्क्रीन, स्क्रीन टाइम आउट, रीबूट, फैक्ट्री रीसेट एंड रेगुलरिटीज़, ये डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप होम स्क्रीन से स्वाइप करेंगे तो आप किसी म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर आप बटन को प्रेस करेंगे तो आप बैक जा सकते हैं। ये था पूरा MI बैंड। इस बैंड को IPX5 ATM की रेटिंग दी गई है, जिसका मतलब ये है कि ये बैंड स्प्लैश और वाटर रेजिस्टेंट है। ये 50 मीटर्स गहराई में पानी में जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। MI बैंड फॉर एंड्रॉयड और iOS दोनों के साथ कंपैटिबल है। दोनों में आपको MI फिट ऐप डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी अगर हम सेंसर्स की बात करें तो MI बैंड 4 में 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर, 3 एक्सिस जायरोस्कोप, PPG हार्ट रेट सेंसर और एक कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपकी जो रीडिंग्स है वो बहुत ही एक्टिव आती हैं। ये ब्लूटूथ वर्जन 5.0 पे चलता है। इसका जो डिस्प्ले है उसका रेजोल्यूशन 240x120 पिक्सल्स का है। इसमें बैटरी लिथियम पॉलीमर की दी गई है और इसका चार्जिंग टाइम सिर्फ 2 घंटे है। 2 घंटे में ये पूरा चार्ज हो जाता है और 20 दिन इसकी बैटरी लाइफ है। टोटल 135 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी इस MI बैंड में इंसर्टेड है। अगर हम बात करें इसके कंपटीशन की तो कंपटीशन में इसके सीधे 3 बैंड आते हैं। सबसे पहले आता है ओनर बैंड 5 जो कि 2200 रुपीज़ का है। सेकंड ओनर बैंड 5i जिसकी कीमत है 1800 रुपये और तीसरा सैमसंग गैलेक्सी फिट बैंड जिसकी कीमत है 2490 और इस MI स्मार्ट बैंड 4 की कीमत है सिर्फ 2299। इन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप नीचे से जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं और कंपेरेटिवली MI बैंड 4 इन सबसे अच्छा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।